दल बड़ कल सब लगी सुरक्षा दबारे कौली भाव में लुचेबार जो अभियान रही तेज सबकि फसर फाटी जा तेणु तक जमीन आवेदन को खारज कराई मैडम जमी कहली कि केवल प्रशांत जगदेव नुहति वर्तमान जो मंत्री विरोध में जो नेता विरोध में कि जो विधायकों विरोध में अभोग सब रही से अभोगर भी शुणी हबार आवश्यकता रही ना निश्चिंत भाव में देखु परी केस देखु एवं महांगारे डबल मर्डर कथा कहतु एटी जेकोसी क्राइम हो ठीक भावे जदि इनभेस्टिगेशन हो पारता से पुलिस हाथ को बांधि दि जाऊँगी आम ओडिशा पुलिस दक्षता अच्छी आज्ञा इनभेस्टिगेशन करें बड़ बड़ क्राइम घटू इनभेस्टिगेशन ठीक भाव क्रिमिनल माने अरेस्ट होती आज जदि क्वेश्चन उठू मंत्री विधायक माने अरेस्ट होना कौन पाई जदि महंगा मर्डर केस रे 13 नंबर मुदला थिले ताले तांकु कौन सी प्रकार तो जेरा करिवार थिला ना तांकु कौन सी प्रकार तो इनक्वायरी रे तांकु साहाज्य करिवार थिला ना इनभेस्टिगेशन एमानकु करै देले ना तांको ना रे जो एलिगेशन आसुची ठीक भाव वेरीफाई भी करै देले से जो मंत्री और विधायक मानक ना रे एलिगेशन आसुची एठी गृहमंत्री भी निश्चिंत भाव दायित्व आसुची कौन सी एफआईआर रजिस्ट्रेशन हो से रजिस्ट्रेशन आधार रे इन्वेस्टिगेशन टा फ्री एंड प्रॉपर होबा उचित एवं माननीय गृहमंत्री डायरेक्शन देवा कथा जदि कौन क्राइम भितरे कौन मंत्री एवं विधायक इनवॉल्व होती पुलिस हाथ को खोली दिया जाऊ एठी पुलिस प्रशासन हाथ को बांधि दि जाऊँगी जहाँ फल प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करी ठीक भाव इन्वेस्टिगेशन हूँ आज क्राइम कोटी ना कोटी लुचिकी रही एवं 4.5 कोटी जनता मुहने प्रश्नवाची रही मर्डर केस रे भी लोक अरेस्ट हो पार ना कहीं कौन विधायक नेता विरोध में संगीन अभियोग आसे एवं हाजत को जाती दल गोटे बड़ कार्यानुष्ठान अनेक केस रही अनेक उदाहरण रही तो प्रशांत जगदेव के विरुद्ध सेमिति किसी एक्शन नेबो कि दल दलर हाईकमांड किसी निष्पत्ति नहीं पारती कि नेबा उचित कि वर्तमान ये केस देखा केवल निलम जदि आम देखा केवल निलंबन नुहे आउ किसी बड़ एक्शन नबार आवश्यकता रही कि निज दलर निर्मल भावमूर्ति को रक्षा करने जी रही हाईकमांड बीजेडी हाईकमांड गोटे बड़ पदक्षेप नबार आवश्यकता रही कि डेफिनेटली आज्ञा से ने कहीं से बाध्य हे नापी कारण जिते कोर्ट मान्यवर कोर्ट जिते अनुभव कले एगेस्ट रे जो दफा लगी जेन्युइननेस बड़ खबर कि बाहुबली विधायक जी रही प्रशांत जगदेव चिलिका विधायक से जमीन आवेदन करते से वर्तमान जमीन तक खारज हो जाएगी विचार विभाग हाजत को पठा जा खोर्धा एटीजे ए कोर्ट जमीन आवेदन को खारज कर प्रशांत जगदेव विरोध में 10-10 संगीन मामला रही कह गोटे रे मात्र चार्जसीट दाखल होता बेले बाकी 9 रे चार्जसीट एपर्त दाखल होना एवं विरोध में जो देखा एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट भी मामला होती देख जो जो कारण पर से आवेदन करते कोर्ट में जमीन आवेदन से कारण टी पर्याप्त नुहे खोर्धा एडीजे एक कोर्ट जे रखे प्रतिक्रिय कहते जमीन आवेदन को खारज कर आवश्यकता रही वरिष्ठ आईनजीवी कल्पना पटनायक रही मैडम देखते गोटे पटे दुई दीटा केस आम सामने रहा गोटे अच्छा चिलिकार विधायक जी रही प्रशांत जगदेव और आउ गोटे पटे देखू जो केस सबुठ हटचमट सृष्टि करता एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामला एडीजी संजीव पंडा कथ आपले डीएफओ एवं रोसिया सौम्य पर लोक बारंबार अभोग करोध में कि तदंत परिसरभुक्त करोटे बड़े क्लीन चिट कि विद्या भारती ए दोषी सब्यस्त होती विरोध में आईपीएस 285 और 304A आक्ट लगी एक एडीजी कहते मोटामोटी जब देखा देखो दुई दुईट केस गोटे बड़े विक्रम आरुख संप्रति रही अंपटे देखते प्रशांत जगदेव जे विधायक गोटे बड़े प्रशांत जगदेव का जमीन खारज है अंपटे एसीएफ सौम्यरंजन मृत्यु मामलें विद्या भारती दोषी सब्यस्त है आप पूरा घटना सामना को गोटे बड़े चिलिका विधायक प्रशांत जगदेव का जमीन आवेदन खारज
ଅନ୍ୟପଟେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ, ଡିଏଫ୍ଓ ରୋଷିଆ କୋଟା କୋଟି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଉପରେ ବେସ୍ କରିକି କେସ୍ଟି ଆଧାର କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଉଠେଇଥାନ୍ତୁ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନଟା ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କେସ୍ରେ ଡାଇଂ ଡିକ୍ଲାରେସନ ଅଛି, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଏ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାଟି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଡେଥ୍ ହେଇଛି ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଆସିଛି। ଯେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହେଇଥାଇପାରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ କରି ଦିଆଯାଇଛି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି।